हेलो गाइस, टेक टेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके मैकबुक में जो है इमेज में से टेक्स्ट को कैसे कॉपी करते हैं या फिर उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जो है ये सीखने वाले, तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा हार्डवर्क या फिर कोई एक्स्ट्रा आपको थर्ड पार्टी ऐप टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ईजी और बहुत सिंपल मेथड मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आपकी जो इमेज रहती है वो आपको ओपन कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इमेज को ओपन करने के बाद अब आपको जो है क्या करना है, आपका जो टेक्स्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इस पर राइट क्लिक कीजिए। अगर वो राइट क्लिक नहीं हो रहा है तो आपको जो है आपके कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके उसके बाद आपको राइट क्लिक कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको जो है कॉपी टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली उस पर जो है आप क्लिक कीजिए इस तरीके से, ठीक है। अभी वो टेक्स्ट जो है कॉपी हो गया है, उसके बाद आप इसको जो है क्लोज कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो भी टेक्स्ट ऐप रहता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैं इसको ओपन किया हूँ। ओपन करने के बाद अब हम इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देखते हैं वो पेस्ट होता है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है अभी वो यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप इजीली इसको जो है पेस्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। तो आप अपने इमेज में से टेक्स्ट को कॉपी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मैकबुक में। तो बस उसमें ज्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, इजी सा शॉर्ट सा सिंपल सा वीडियो है। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।